हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वेलकम टू माय चैनल वाइट बोर्ड। तो बेटा, आज हम अपना एसएसटी की बुक का चैप्टर नंबर 5 ये रीड करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। ओके, तो लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट कौन सी है? दैट इज़ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो बेटा, इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, तो मैं आपको इसका चैप्टर का जो मीनिंग है वो मैं आपको समझाना चाहूँगी। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स आई हैं। एक तो है डेंस फॉरेस्ट। ओके, तो डेंस, व्हाट डू यू मीन बाय डेंस? ठीक है, फॉरेस्ट का मतलब तो आपको पता है कि जंगल, ठीक है ना? हाँ जी, लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट की धरती। तो डेंस फॉरेस्ट के डेंस का मीनिंग क्या होता है? डेंस मतलब होता है घना, ठीक है? मतलब जैसे कि आ गया कि यहाँ पे ट्री है, ठीक है, 1 ट्री, फिर 2 ट्री, मतलब ये एक दूसरे के साथ मतलब ऐसे चिपके हुए हैं, ठीक है ना? मतलब क्या है कि घने हैं, ठीक है ना? जो ट्री हैं जिस फॉरेस्ट में, जिस जंगल में ऐसे ट्री पाए जाएं, मतलब जो जिनका डिफरेंस जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो, और ऊपर से जब वो फैलें तो वो क्या है, एक दूसरे को कवर कर रहे हों, ठीक है? तो इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं उनको बोला जाता है डेंस फॉरेस्ट। तो बेटा, जो डेंस फॉरेस्ट हैं तो वो पाए जाते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि अफ्रीका में है, ठीक है? जो अफ्रीका है कंटिनेंट, तो उसकी एक मतलब क्या है कि कंट्री है उसके अंडर आने वाला, ठीक है ना? तो अफ्रीका में है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो बेटा, अब मैं आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मीनिंग समझा देना चाहती हूँ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक। अब आप जानते हो कि हमारा जो इंडिया है, ठीक है, तो वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इन दोनों का मतलब, ये जो मीनिंग है वो क्या है? दोनों का मीनिंग सेम आता है बेटा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, कि वहाँ पे है कि गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट, ठीक है, जो हो फॉर ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो ऑफ द पीपल, ठीक है ना, लोगों की सरकार, ठीक है, लोगों की अपनी सरकार, फॉर द पीपल लोगों के लिए, ठीक है, जो लोगों का काम करने वाली हो, और बाय द पीपल जो लोगों के द्वारा चुनी जाए। अब आप जानते हो कि जैसे हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो मतलब हमें वोट डालने का अधिकार है। जो भी 18 ईयर्स का हो जाता है तो वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुनता है वोट डाल के, ठीक है ना? तो मतलब क्या है, बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा चुना जाता है वो पर्सन, ठीक है, तो बाय द पीपल। और फॉर द पीपल लोग क्यों चुनते हैं? ताकि वो उनके लिए काम कर सके, ठीक है ना? तो फॉर द पीपल। और ऑफ द पीपल मतलब लोगों की, ठीक है, मतलब लोगों की अपनी सरकार है, उनके बीच में से ही वो बंदा चुना जाता है। पहले क्या होता था? पहले किंग होते थे, राजा, ठीक है ना? तो राजा है, तो राजा के अगर उसकी डेथ हो गई तो उसका सन, राजा का बेटा, वो उस गद्दी पे बैठता था। बट आज की डेट में बेटा ये चीज़ नहीं चलती है, डेमोक्रेसी चलती है, ठीक है? डेमोक्रेसी में होता है कि मतलब लोगों के बीच में से ही कोई बंदा चुना जाता है लोगों के द्वारा, जो लोगों के ही भलाई के काम कर सके। तो ऐसी जो होती है गवर्नमेंट, उसको बोला जाता है डेमोक्रेटिक, ठीक है? तो इसलिए इसका नेम पड़ा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब बेटा, ये जो हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये चैप्टर जो करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये किस एरिया में पड़ता है। तो बेटा ये देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया का मैप, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, ये बीच में से ये इक्वाटर, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, इक्वाटर वाली जो लाइन जा रही है ये लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन जो जा रही है, तो यहाँ पे हमारा है अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट है। और अफ्रीका के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये देखिए ये लाइन आपको जाती हुई दिखाई दे रही है ना, ये लाइन, हाँ जी। तो कॉन्गो क्या है बेटा? कॉन्गो एक एक्चुअली रिवर है, ठीक है, जो यहाँ से बहती है, और इस रिवर के साथ लगता हुआ ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला,
जहाँ पे लिखा है इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, तो इसको क्योंकि ये कोंगो रिवर के साथ लगता है, तो इसको नेम दिया गया द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ठीक है। इसको पहले नाम किस नाम से जाना जाता था, ज़ाइरे, ठीक है। पहले इसको ज़ाइरे नाम से जानते थे, बट फिर बाद में इसका नेम पड़ गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ इसी पिक्चर के थ्रू कि बेटा ये देखो, ये इक्वाटर से होके लाइन जा रही है और ये अफ्रीका के बीचों बीच से होके जा रही है, और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है उसको इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक तो ये ऊपर वाला पार्ट और एक ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, ठीक है ना, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम साउदर्न हेमिस्फेयर। तो इससे क्या हो गया कि मतलब इक्वाटर वाली लाइन ने ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, तो उसके नॉर्थ वाले एरिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, और जो साउथ वाला एरिया है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में से इक्वेटर वाली लाइन जो है वो गुजरती है। तो मैंने आपको बताया कि इक्वाटर पे सन की रेस सीधी पड़ती हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि मतलब यहाँ पे पूरी गर्मी होती है, ठीक है। क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट, गर्म क्लाइमेट होता है। और दूसरी बात मैंने बताई थी इक्वाटर पे, ठीक है, क्या होता है कि जितनी गर्मी पड़ती है इवनिंग में, शाम को क्या हो जाता है, उतनी ही रेन यानी कि बारिश होती है। तो उस वजह से क्या हो जाता है, वेट मतलब गीला मौसम हो जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो ये हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, इस रीजन में हॉट एंड वेट क्लाइमेट, ठीक है ना, जो मतलब गर्म और फिर नम पानी वाली ऐसी क्लाइमेट पाई जाती है कि पूरे दिन में गर्मी रहती है और इवनिंग के टाइम पे क्या होता है कि ये मतलब बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो जाता है। और अब एक बात मैं और बताना चाहती हूँ बेटा इसी में ही, कि क्या है कि आप देखिए इसमें, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ठीक है, कि ये किस साइड में पड़ता है अफ्रीका के। तो ये देखिए आप डायरेक्शन जानते हो, ऊपर होती है नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे साउथ, हमारे जिस हैंड से लिखते हैं उधर ईस्ट है और दूसरी साइड वेस्ट है। तो आप देखिए कि ये जो कोंगो बेसिन वाला एरिया है ये किस साइड पड़ रहा है, ये ईस्ट साइड नहीं पड़ रहा, मिडल में पड़ रहा है, ठीक है ना, ना साउथ में है ना नॉर्थ में है। तो ये किस साइड पड़ रहा है, वेस्ट साइड में पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या है मतलब वेस्ट कोस्ट बोला जाता है, ठीक है, कोंगो का, ठीक है, मतलब कोंगो जो है वेस्ट, कोंगो रिवर के वेस्ट कोस्ट में ये मतलब ये पड़ता है एरिया, समझ आ की बात। तो चलिए फिर हम इस चैप्टर को रीड करना आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए बेटा, तो कहते कि द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, कि ये अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब बड़ी कंट्रीज में आती है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो फर्स्ट नंबर पे कोई और है जैसे, तो ये कितने नंबर पे आती है, सेकेंड नंबर पे आती है। तो कह रही इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका है, ठीक है ना, अफ्रीका कंटिनेंट, तो उसके वेस्ट में पड़ती है इस साइड में, ठीक है। तो कहते हैं द इक्वाटर रन्स अक्रॉस दी कंट्री, तो ये बातें सारी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसी मतलब के बीचों बीच इक्वाटर वाली लाइन जो है वो गुजरती है। और क्या है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन जो है नॉर्थ पोर्शन वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और जो नीचे वाला है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्वाटर वाली लाइन इसको बीचों बीच में से काटती है, तो इस वजह से। तो आगे मैंने आपको क्लाइमेट के बारे में बता दिया था, अभी डिस्क्राइब किया था कंप्लीट, कि क्या बताया था कि क्योंकि ये इक्वाटर के बीचों बीच में से होके गुजरती है, तो सन की रेज जो है वो डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ती हैं। तो फिर क्या होता है कि हॉट मतलब पूरी गर्म होता है, और दूसरा क्या होता है, वेट होता है यानी कि गीला मौसम होता है। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, इसको पहले मैंने आपको बताया था कि इसको ज़ाइरे नाम से जानते थे, ठीक है ना, ज़ाइरे, हाँ जी। तो अब हम किस नाम से जानते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के नाम से। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कोंगो रिवर इसके साथ से होके गुजरती है।
तो और यहाँ पे टिपिकल इक्वेटोरियल क्लाइमेट रहता है, ठीक है ना, इक्वाटर वाला मतलब हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है। मॉर्निंग में वही कि सन की रेस सबसे पहले इस रीजन पे पड़ती हैं। और क्या है कि इवेपोरेशन होता है, ठीक है, जितनी धूप पड़ेगी तो उतना ही जो पानी है, ठीक है, वो भाप बन के ऊपर उठेगा। तो फिर क्या होता है कि क्या है फिर शाम के टाइम क्या हो जाता है कि टेम्परेचर में मतलब उसकी वजह से मतलब बादल बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, और फिर वो इवनिंग में क्या है बहुत ज़्यादा रेन होती है। तो मतलब पूरा साल यहाँ पे मतलब गर्मी और फिर रेनी, ये सब ये मिक्स मौसम जो है ये चलता रहता है। और कह रहे कि रिवर कोंगो को भी पहले ज़ाइरे नाम से जाना जाता था। तो फिर कह रहे कि ये इसको अफेक्ट करती है यहाँ के क्लाइमेट को। और कह रहे इनफैक्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री इज लोकेटेड इन द बेसिन ऑफ रिवर कोंगो एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, कि मतलब जो मतलब कंट्री का मतलब ज़्यादा लोग जो हैं, ठीक है ना, वो इसी रीजन में रहना पसंद करते हैं। और कह रहे कि दिस रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज अ हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, मतलब अफ्रीका का सेंटर में पड़ता है, ठीक है ना, मिडल में। तो इसको हाईवे के नाम से सेंट्रल अफ्रीका का मतलब मेन हाईवे रिवर कोंगो को उस नाम से जाना जाता है। तो क्लाइमेट की बात तो बेटा हो गई थी, अब हम करेंगे इसमें इसकी बात वेजिटेशन, ठीक है, मतलब वेजिटेशन क्या है, कैसा है इसका, ठीक। तो मतलब क्या है कि पेड़ पौधे जो हैं, हमने किया ना डेंस फॉरेस्ट, मतलब घने जंगल है वहाँ पे। तो क्या है कि कहते कि नियरली हाफ ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज कवर्ड विद लश ग्रीन थिक फॉरेस्ट कॉल्ड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट, ठीक है। मतलब क्या है कि मतलब जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है, ठीक है, इसका मोस्टली पार्ट जो है वो हरे भरे जंगलों से भरा हुआ है, और इसको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट या फिर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इक्वाटर पे पड़ता है ये रीजन, तो इसलिए इसको इक्वेटोरियल भी कहते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है इसलिए रेन फॉरेस्ट, मतलब दोनों नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट कहते कि द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर वेरी टॉल, ब्राइट सन लाइट एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल मेक द नेचुरल वेजिटेशन ग्रो वेरी फास्ट। तो कह रहे कि सीधी सनलाइट पड़ती है, और दूसरा क्या होता है कि रेन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, कि वो दूसरे जगह के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एग्जांपल दिया कि सम प्लांट्स ग्रो इवन 15 सेंटीमीटर आ डे, मतलब एक दिन में वो 15 सेंटीमीटर तक बढ़ जाते हैं, और मतलब सम ट्रीज ग्रो टू द हाइट ऑफ अबाउट 60 मीटर, मतलब उनकी जो हाइट है वो 60 मीटर एक दिन में ऐसे बढ़ती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेजी से मतलब ये जो ट्रीज हैं वो बड़े होते जाते हैं। आगे देखते हैं बेटा, कहते हैं कि देयर इज़ अ थिक अंडरग्राउंड ग्रोथ ऑफ श्रब्स एंड बुशेज, ठीक है, मतलब थिक मतलब घना, ठीक है ना, मतलब कि जो अंडरग्राउंड ग्रोथ है वो श्रब्स की और बुशेज की। श्रब्स होते हैं छोटे पौधे जो मतलब झाड़ियों की तरह ही फैलते हैं, ठीक है, और बुशेज मतलब झाड़ियाँ। तो कह रहे ए लार्ज नंबर ऑफ क्रीपर, क्रीपर कौन से होते हैं जो धरती के ऊपर ही रेंगते हैं जैसे पेड़, ठीक है, जैसे जो हैवी फ्रूट वाले जो होते हैं जैसे पंपकिन वगैरह के, तो वो नीचे धरती पे ही होते हैं, तो उनको क्रीपर कहा जाता है। क्लाइम द ट्रीज एडिंग टू द थिक वेजिटेशन, ठीक है, मतलब घना मतलब इसको बना देता है मतलब पूरे जंगल, ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है डेंस फॉरेस्ट। तो कह रहे कि दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, सारा साल ये हरे रहते हैं, तो इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको पहले बताया था इक्वाटर पे है ये, ठीक है ना, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो इक्वाटर वाले रीजन में, तो इसलिए इसको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बोला जाता है। दूसरा, इस रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो इसको रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। और तीसरा कि ये सारा साल हरा भरा रहता है जंगल, तो इसलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कहते हैं इन दीज फॉरेस्ट प्लांट्स आर सो क्लोज टू ईच अदर, मैंने बताया ना आपको कि प्लांट जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, और फिर वो क्या करते हैं दैट देयर ब्रांचेस गेट एंटेंजल्ड, मतलब इनकी जो मतलब ऊपर से जो इनकी जो हैं, ठीक है ना, मतलब ब्रांचेज हैं शाखाएँ, तो वो आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, तो फंस जाती हैं एक दूसरे से। तो कह रहे कि दे फॉर्म अ थिक कैनोपी एट द टॉप, तो फिर ये टॉप पे मतलब क्या है कि कैनोपी, कैनोपी होता है कि छत बना देना, ठीक है ना, एक छत टाइप सा बना देते हैं,
ताकि जैसे हमारे घर की छत होती है, ठीक है, तो उस टाइप से ये मतलब ट्रीज जो हैं ये ऊपर से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये जब आपस में जुड़े हुए हैं तो ये यहाँ पे छत बन गई, तो सन की रेज आने नहीं देते। तो कह रहे हैं एट सम प्लेसेस दीज फॉरेस्ट आर सो थिक दैट इवन द रेज ऑफ सन कैन नॉट पास थ्रू देम, ठीक। तो कह रहे दैट इज़ वाई द फॉरेस्ट ऑफ कोंगो बेसिन आर डार्क डिंजी एंड डैम्प, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस रीजन के जो मतलब फॉरेस्ट हैं वो डार्क होते हैं, ठीक है, मतलब घने मतलब अंधेरा छाया रहता है, ठीक है। डिंजी मतलब धुंधले दिखाई देते हैं, क्यों, क्योंकि सूरज की किरणें जो हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेंगी, और डैम्प मतलब नम, ठीक है, गीले ही रहते हैं। जब सूरज की किरणें नहीं पड़ेंगी तो फिर क्या है कि पानी इतनी जल्दी वो नहीं सूख पाता, ठीक है ना। तो कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज समटाइम्स कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस, तो इसको इसीलिए हार्ट ऑफ डार्कनेस के नाम से भी इस एरिया को जाना जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रीज जो है वो इतने डेंस है, घने हैं कि वो एक कैनोपी बना देते हैं, छत बना देते हैं, और सन की रेज को भी अपने अंदर क्रॉस होने नहीं देते। तो इसीलिए इस रीजन को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को हार्ट ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है। तो कह रहे दीज फॉरेस्ट अबाउंड इन ट्रीज सच एज इबोनी महोगनी रबड़ बैम्बू ऑयल पाम एक्सेट्रा, दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू द पीपल ऑफ ज़ायरे एज दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। तो कह रहे यहाँ पे मतलब इस जंगलों में इबोनी महोगनी रबड़ बैम्बू और ऑयल पाम के जो ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और ये जो सारे ट्रीज़ हैं बेटा ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रीज़ को ये कच्चा माल देते हैं, तो फिर इंडस्ट्रीज इनसे क्या करती हैं कि मतलब जैसे वही फर्नीचर बनाना हो गया, ठीक है, फिर या पेपर बनाना है, मतलब उस चीज़ से इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो हम बेटा आज का अपना चैप्टर यहीं पर इसको छोड़ते हैं, तो जो नेक्स्ट जो है वो हम जो पार्ट रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। ओके बेटा, बाय।